उठाओ, पकड़ो पकड़ो, आगे से पकड़ो, हाँ पीछे से नमो, पीछे से। कम से कम 15 किलो दूर से लेकर आया ऑटो में भर के। अब इसको देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपने तो देख लिया, गाड़ी में भर के लेकर आया था टोटो में, इसमें ऑयल भी डाला, न्यू ऑयल। अब इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो ज़रा सा भी ये स्टार्ट में नहीं है, लगता है इसका अंदर टाइमिंग चेन टूट गया होगा। ये साइड ये कवर खोलने के बाद और ये कला साइड खोलने के बाद ही आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा पहले फटाफट खोल लेता हूँ, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे। जैसे देख सकते हैं हमने हेड और सिलेंडर किट को खोल दिया है। अब क्या है कि गाइस इसमें टाइमिंग चेन सही है, टाइमिंग चेन टूटा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि इंजन सीरीज हो गया गाइस। ये देखो, ये देखो पिस्टन पूरा हार्ड हो गया और ये देखो ये पूरा हिल है। मतलब ये जो कनेक्टिंग रॉड है गाइस, इसके अंदर दो बैरिंग दो साइड में रहते हैं, इसी को भी चेंज करना पड़ेगा। इसका इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा इंजन को ओपन करना पड़ेगा। पूरा इंजन डिस्कस करने के बाद ही आपको बताने वाला हूँ कौन सा पार्ट्स इसमें ख़राब हो चुका है। वीडियो में बने रहे। जैसे कि देख सकते हैं हमने पूरा पार्ट्स को खोल दिया है गाइस। बाइक में मेरे को पता चला बाइक सीरीज हो गया था। ये जो करेंगे गाइस, इसी को ये दोनों बैरिंग है, ये दोनों को चेंज करने वाला है। और ये सिलेंडर किट है, इसी को बोर करने वाला हूँ। और इसमें एक नंबर चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये जो ऑयल पम्प रहा, इसी को आपको खोल करके चेक करना चाहिए। अगर ये ख़राब रहेगा तो बाइक दोबारा फिर सीरीज मार देगा। हमने इसको खोल करके देख लिया, ये सही है, इसी को ऐसे रहने दो। और इसमें ऐसे दो वाल्व है, ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा। और रॉकर को भी देख लेना चाहिए, ये देखो कैन सबको, अगर इधर घिसावट रहेगा तो इसी को भी चेंज करना पड़ेगा। ये तो सही है, अभी चलेगा। बाइक ज़्यादा चली हुई नहीं है गाइस, न्यू बाइक है, देख सकते हैं प्लैटिना 110 cc बाइक है। कस्टमर ने इसका ऑयल का वजह से ये सीरीज हो गया था, मतलब इसमें ऑयल नहीं था, ये कभी ऑयल भरा हुआ था उसको मालूम भी नहीं है, इसलिए हमने सारा पार्ट्स को खोल करके रखा। और ये पार्ट्स अभी पूरा फिटिंग करने के बाद आपको इसी बाइक में स्टार्ट मार के देखने वाला हूँ कि इसमें कितना एक्चुअली बढ़िया काम हुआ। क्योंकि इसी तरह आपको पर डे मेरा वीडियो मिलता रहेगा गाइस, क्योंकि मेरा वीडियो आपको चाहिए प्लैटिना 110 cc BS6 मॉडल का, तो अलग अलग पार्ट्स आपको मिलेगा। मेरा ऑलरेडी वीडियो गियरबॉक्स का बना हुआ है, फुल इंजन किस तरह फिट किया जाता है उसका बारे में भी आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। मेरा चैनल पे जाके आप देख सकते हैं किस तरह इसका फुल इंजन फिटिंग किया जाता है, हर एक एक पार्ट आपको मिल जाएगा। बाइक ऑटो में भर के लेके आया था टोटो में, आपको ये पूरा फिटिंग करने के बाद ही बताने वाला हूँ। देख सकते हैं बाइक अभी रेडी हो गया है गाइस, ऑटो में भर के लेके आया था, आपने देखा। अभी आपको स्टार्ट मार के देखने वाला हूँ इसमें कितना बढ़िया काम हुआ, देख सकते हैं। इसका साइलेंट साउंड बहुत बढ़िया हो गया, हमने फुल इंजन का काम किया। इसी तरह टेक्निकल वीडियो गाइस लाता रहूँगा, मेरा वीडियो में जुड़े रहे गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।